सुर लगाने की तीन स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन सी हैं वो तीन स्टेजेस जिनमें एक सुर लगता है। और यही तीन स्टेजेस वैसे लय के लिए भी होती हैं। और लय और सुर अंदाज़ा है इस पर, और उस अंदाजे को हमें एक्यूरेट करना है इस पर पूरे वीडियो में बात की जाएगी। तो देखिए पूरा वीडियो और शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, और अभी ही सब्सक्राइब बटन जो है दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके पास रेगुलर आने वाले हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। जाम आँखों से जब छलका तो समझा चढ़ गई है, याद जब वो बहुत आए तो समझा चढ़ गई है। हारमोनियम के साथ अगर हम गाते हैं, या मेट्रोनोम के साथ अगर हम गाते हैं, या तबले के साथ अगर हम चलते हैं कोई निश्चित मशीन के साथ, तो हमें मालूम है कि ये जो सुर जा रहा है ये हारमोनियम का, ये सा लगाया, उस ध्वनि को मैच किया। मेट्रोनोम में एक BPM सेट कर दिया, बीट पर मिनट सेट कर दिया, 30, 40, 60, 70 जो भी है वो सेट कर दिया, उसके साथ हमने लय बोलना शुरू किया। ताल बज रही है तबले वाले की, उसने बजाना शुरू किया, हमने सुना, ऑब्जर्व करके अपने दिमाग में चला के रजिस्टर किया सबसे पहले, फिर एग्जीक्यूट किया, उसके साथ हमने गाना बजाना शुरू किया। मशीन और हारमोनियम ये तो आपको सुर बता रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर है, या लय के लिए मेट्रोनोम बता रहा है कि ये इस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, ये गति है इसकी। लेकिन जब ये मैनुअली होता है, यानी जब हम किसी के साथ संगत कर रहे हैं, तब हमारी लय पक्की होना, या जब हम तानपुरे पर गा रहे हैं या बगैर तानपुरे कर भी गाएं, पहले तो तानपुरे पर भी, उसके बाद बगैर तानपुरे के भी अगर हम गाएं और हमारे सुर सटीक लगें, ये मुश्किल है, क्योंकि वहाँ काम आता है सुर का अंदाज़ा। आपको यहाँ मालूम है कि ये ध्वनि आप सुन रहे हैं, इससे मैच करना है, सा ग प नी, तो ये चार सुर बजे और आपने मैच कर लिया, ये तो सटीक हो गया, लेकिन अभी चल रहा है सिर्फ तानपुरा, और इसमें बज रहे हैं दो सुर, सा और प। अब यहां सबसे पहले तो इनको सुनकर सा पहचानना, सा प सा प सा, ये दो सुर मिल रहे हैं। अब इसके बेस पर सा ग जो इसमें नहीं है, आपको अंदाजन जंप लगाना है सा से सुर का, फ्रीक्वेंसी का, कि वो ग तक जाए। सा ग सा मा सा रे, ये रे ग मा शुद्ध थे, सा रे कोमल ग, सा रे ग कोमल ग, सा ग कोमल ग सीधा, सा मा प मा सा सा रे ग मा, ये तीव्र मा, सा रे ग मा पा पा मा ग रे ग रे सा सा नी रे ग प मा रे ग, यहाँ रे शुद्ध कर दिया। तो अंदाजन आप ये सुर लगा रहे हैं। अब आपने सुना होगा उमूमन अपने गुरुजी से कि हाँ तुम्हारा सुर मैच कर रहा है, अपने को मालूम चला, अपन ने तानपुरा सुना यार ये सा मैच कर रहा है, अपन ने हारमोनियम बजाया, ये इसकी ध्वनि सुनी और मैच की। अब वो कह रहे हैं नहीं तुम्हारा मैच नहीं है, सुर थोड़ा चढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है, तो वो क्या है, उसे कहते हैं सटीक अंदाज़ा। यानी श्रुतियों में भी कि सा तुम्हारा दो श्रुति चढ़ा हुआ है, सा की चार श्रुतियाँ होती हैं, तो उसमें से दो श्रुति चढ़ा हुआ तुम्हारा सा लग रहा है, अब वो कैसे मालूम चलेगा। इसे ईयर ट्रेनिंग कहते हैं, कि आपके कान धीरे धीरे सुन सुन के पक्के हो जाते हैं सुरों को, कि हम सतह से नहीं उनको बारीकी से भी सुनकर मालूम चल जाए। आप देखते हैं हमारी लय चल रही है, एक दो तीन चार दा धिन धिन दा, और हमारी बंदिश हम गा रहे हैं, ख्याल गा रहे हैं, गुरुजी के साथ तो सही हो रहा है, या कंपनिस्ट के साथ सही हो रहा है। अब करते करते सही होते होते वो अचानक कह देता, अरे तुम्हारी लय बढ़ गई या तुम्हारी लय कम हो गई थी,
तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो ये जो अंदाजा है सुर और लय का, क्योंकि ये दिख तो रही नहीं है सामने, ये हम फील कर रहे हैं। जैसे कह देते हैं ना 5 मिनट हो गए होंगे, तो ये 5 मिनट हुए ये हमें कैसे पता चला अगर घड़ी नहीं है तो? बिना घड़ी देखे हमने कह दिया हाँ इसे आए हुए 5 मिनट हुए हैं, हमने अंदाजन बोला। कमरे को देख के बता देंगे इसका साइज क्या है, कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, कितना सेंटीमीटर चौड़ाई है, वो सब हम बता देते हैं, मीटर सेंटीमीटर सब बोल देते हैं, अंदाजन। या यहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है, ये लगभग 10 क्या है, ये कैसे मालूम चला? ये जो अंदाजा है हमारा सटीक हो, इस पर हमें काम करना होता है। तो आज वो 3 स्टेजेस देखते हैं लय और सुर के। सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट स्टेप लय को सिखाते समय भी बताया ही था कि आप ऑब्जर्व करते हैं, सुनकर, देखकर, आप ऑब्जर्व करते हैं महसूस करके। अगर मैंने आपके यहाँ टाइप किया तो आप महसूस करेंगे, BPM बजाया तो सुन के महसूस करेंगे, घड़ी दिखाई तो देख कर महसूस करेंगे। सुर के साथ भी यही है, तानपुरा बज रहा है या कोई और गा रहा है, हारमोनियम बज रहा है, आप सुर को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको गा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन के समय एक स्टेप आता है, वो है रजिस्ट्रेशन। जब आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो रजिस्टर होती है यहाँ पर दिमाग में, आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं कि हाँ ये इतनी ऊंचाई है सुर की, इतनी निचाई है, या लय में इतनी गति है। तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन है, फिर आप रजिस्टर करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, यानी फिर आप गाकर या बजाकर या नाचकर जो भी है लय या सुर को व्यक्त करते हैं। तो जब ये ऑब्जर्वेशन चल रहा है, सुनने का स्टेप चल रहा है या देखने का स्टेप चल रहा है, तब ही आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके सबसे पहला स्टेप होता है आप उस सुर को या लय को लगाते हैं। तो सबसे पहला है कि वो सटीक लगे, यानी ऐसा ना हो कि वो गति सुनते सुनते आ आ आ आ आ आ ये मैच हुआ है, कि गिरते पड़ते भागते भागते थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ और फिर 4-5 बीट गुजरी और तब जाके आपने मैच किया। या सुर के साथ भी 4-5 बार लगाया कि नहीं ऊंचा हो रहा है, नीचे हो रहा है, नहीं नहीं स्थिर करो, थोड़ा सा चढ़ाओ, थोड़ा सा उतारो, जैसे कि वॉल्यूम नॉब की तरह हम कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं कि नहीं ये ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, हैं। या तबला मिला रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा ज़ोर से मार दिया चढ़ गया सुर, ज़्यादा ज़ोर से उतार दिया तो सुर उतर गया, है ना। तो उसी तरह से हम सुर के साथ या लय के साथ भी कर रहे हैं कि हाँ अभी अरे ये 2-4 बार ऐसे करना पड़ता है, तब जाके वो लय तबले वाले की भी हमारे साथ मैच होती है, किसी भी रिदमिस्ट या परक्यूशनिस्ट की हमारे साथ मैच होगी या हमारी उसके साथ मैच होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, सटीक लगना। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन का स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए, कि आपने इतना ढंग से ऑब्जर्व किया है और रजिस्टर इतनी ढंग से हुई है कि यहाँ पहले चला ली थी उसके बाद हमने एग्जीक्यूट करी। तो सा का जब लगाव हो तो सीधा लगाव हो, न कि सुर ऐसे जाए या ऐसे आए, उसकी लाइन स्ट्रेट बननी चाहिए। ये सुर की पूरी तीनों स्टेप्स, तीनों स्टेजेस की एक लाइन बनती है। अब इसमें तीन में पहला आ गया लगना, दूसरा आ गया टिकना, कि उस ही पर टिके सुर भी आपका और लय भी आपकी, कि उसी में टिके, सस्टेन करे, समझ रहे हैं। सुर अगर लगाया तो ऐसे नहीं कि वो फ्लक्चुएट या वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर नीचे होता गया, नहीं, लग तो सटीक गया था, बुल्स आए जिसे मैं कहता हूँ, कि आपने वो डार्ट देखा होगा बीच में आप मारते हैं अपने जो भी आपके हाथ में होता है एरो या जो भी उसे बोलते हैं, आप एग्जैक्ट सेंटर में लगाते हैं तो उसे बुल्स आए कहते हैं, सांड की आँख हिंदी में बोलें तो उसका, अगर बड़ा ही बनाए तो उसका कन्वर्जन। तो ये सटीक लगना सबसे पहला स्टेप लय और सुर का भी, अच्छे से सुना है, अच्छे से ऑब्जर्व किया तो सटीक वहीं जाएगा सुर भी और लय भी, पहली बार में पकड़ी तो वही, उसके बाद वो सस्टेन करे, वो टिके। उसके बाद आखिरी स्टेज होती है जब वो छूट रही हो, यानी बंद करें लय या सुर, तो उस ही पर, ये नहीं कि ऊपर या नीचे छोड़ दिया। अब कैसे होता है, इसकी आकृति ऐसी नहीं बननी चाहिए कि ये ऐसे शुरू होके और ऐसे गया, कि ऐसे शुरू होके ऐसे ऐसे आया, और ये वेव नहीं बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अब मैं आपको जरा करके बताता हूं। सुना सबसे पहले तो सा सा या सा सा, ये क्या है, आधे सुर ऊपर नीचे से हम चढ़ा के पहले तो सा सीधा सा सा सीधा नहीं लगाया, नीचे से गए थे सा या सा, हल्का नीचे से या हल्का ऊपर से सा। सबसे पहले तो उसका जो शुरुआत हुई है वो ऐसे या ऐसे हुई है, वो नहीं, सीधा लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो टिके सा, न कि सा, सा।
ये जो वाइब्रेशन, ये जो फ्लक्चुएशन आपने देखा, ये नहीं आना चाहिए। लय के साथ भी आइए, वो एक जैसा चले। फिर छूटते समय सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सांस जैसे ही हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सुर उतर जाता है। सा या सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। जब आरोह हो गए सा रे ग म प ध नि सा नि ध प, तो जब दोबारा अवरोह आ रहे थे तो वो सा सटीक नहीं, ऊंचा नहीं लगा। या सा रे ग म प ध नि सा, या तो चढ़ते चढ़ते सा जब छोड़ते हैं ऊपर तो बहुत ज्यादा ऊंचा छूट गया, या बराबर गया नहीं। सा सा सा, हर बार लगे तो वो सटीक लगे, सटीक टिके और सटीक ही छूटे। तो ये ट ट ट जो तीन ट है, यानी टिकना, सबसे पहले लगना, सटीक लगना, फिर टिकना, और फिर उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो सही रहे, है ना। यही लय में भी है, यही ताल में भी है, कि गीत गाते गाते, बंदिश गाते गाते, ऐसा ना हो कि एंड आते आते आप भागने लग गए, है ना। कि आपने कई बार होता होगा कि हमने गजल शुरू करी तो वो थोड़ी चलत की गजल थी, है ना। जैसे मान लीजिए हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। अब ये चल रही है धिन ताच ताच तक धिन तत धिन ताच ताच तक धिन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। न तजर्बा कारी सी वाइज की ये बातें हैं, न तजर्बा कारी सी वाइज की ये बातें हैं, उस रंग को क्या जाने, उस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है हंगामा, हंगामा है क्यों बरपा। अभी थोड़ी चलत जा रही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो कई बार क्या होगा, आते आते इसे एंड करते करते एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार, लय बढ़ जाती है। तो लय का टिकना भी ज़रूरी है और उसका छूटना भी ज़रूरी है, सुर ऐसा ना हो कि ब्लास्ट हो जाए। एक लाइन चाहिए और हर बार लगाओ तो सीधा, जैसे कि अभी मैंने सा लगाया, तो हर बार लगाया तो वो सा। अब इसमें क्या होता है, छूटते समय सांस का क्या ख्याल रखना है, कि जैसे ही आपकी सांस बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, लंबी हो जाएगी और उतनी आपकी है नहीं, तो आप एग्जॉस्ट कर जाओगे, तो वो सुर हिल जाएगा। तो कोशिश उसे ये करनी है कि जितनी आपकी सांस है उससे थोड़ा सा पहले ही छोड़ देना। अब इसमें दो नज़रिए हैं, पहले तो थोड़ा सा पहले छोड़ दोगे तो सुर बना रहेगा, दूसरा नज़रिया यह है कि उसको थोड़ा सा लंबा भी खींचना। थोड़ा लंबा खींचोगे तो सांस पुश होगी, यानी कि आपका सुर, आपकी सांस हल्की लंबी होगी। तो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस है, कि इतना भी पुश नहीं करना कि बेसुरा हो जाए, और इतना भी जल्दी नहीं छोड़ना कि सांस लंबी ना हो पाए, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये तीन स्टेजेस आपको बारीकी से हर बार ध्यान रखनी है। दूसरा, सुर भी अगर लगे तो सटीक लगे, जैसे कि मैंने अलंकार गायकी में समझाया है कि जब आप अलंकार गाते हैं, रियाज करते हैं, तो सीधा सीधा सा रे ग म प ध नि सा, है ना, प ध नि सा, ऐसे नहीं, सा पिछले के सहारे से नहीं लगाते। ये राग गायकी या गीत गायकी में होता है कि थोड़ा सा अलंकृत होगा, थोड़ा ऑर्नामेंटेशन, थोड़ा मीण, थोड़ा स्पर्श, नहीं, पर ये कंट्रोल में होना चाहिए इख्तियार। ऐसा नहीं हो कि ये हम अनियंत्रित है, कि हम चाह नहीं रहे तब भी लग रहा है, मीण आ रही है जानबूझ के, सटीक लगाना चाहें तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जहां सटीक लगना है उसका रियाज ये बताया, ये तीन स्टेजेस का ख्याल रखते हुए, ठीक है। देखते रहें, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, स्वरांगिनी को खरीदें, और वीडियोस को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ शास्त्रीय संगीत की वैसी बातें जो कोई बात कर नहीं रहा है जिन पर। शुक्रिया।